वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स. दिस इज एन एसएसटी ईडूपीडिया. आई एम गुंजन उछरिया, असिस्टेंट टीचर ऑफ एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स. जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल के बारे में, थोड़ा बहुत बताया था, पार्ट वन था. अभी दिस इन सेकंड पीपीटी में मैं आपको बताने वाली हूँ पार्ट टू के बारे में, कि कौन से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉलेशन किए जाते हैं और कैसे यूज ऑफ किए जाते हैं. लेट्स सी इन योर फर्स्ट स्लाइड में, मैंने लास्ट वहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि मेमोरी में थ्री टाइप्स रहते हैं. इट्स योर द प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड देन कंट्रोल यूनिट. ये तीनों आपके बेसिक टैग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रहते हैं, मतलब सीपीयू में इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट सेकेंडरी मेमोरी कुछ भी नहीं होता है. प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट. इनपुट मतलब जो हमारे पास डेटा आई, फिर प्राइमरी में प्रोसेस हुई एंड आउटपुट मतलब यूनिट आपके इंफॉर्मेशन में गई. ये सब के थ्रू हम लोगों का पूरा मेमोरी यूनिट बनता है. सीपीयू इज अ वेरी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना, दोनों के बिना हम लोगों का कौन सा भी इन टेक्निकल नहीं चलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल नहीं चलता है. लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड आपको है कि एवरी कंप्यूटर सिस्टम हैज द फॉलोइंग थ्री बेसिक कंपोनेंट्स. कौन से हैं अभी ना बताया मैंने, इनपुट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड आउटपुट. इनपुट यूनिट में ये यूनिट क्या करता है, नंबर, वर्ड्स, एक्शंस, कमांड्स, ये सब डेटा में डालता है. एक एग्जांपल देना चाहूंगी, माउस इज द इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस. हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड में वर्ड्स नंबर्स वगैरह टाइप करते हैं. दिस इज योर द इनपुट डिवाइस. जैसे कि अनदर एग्जांपल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, बारकोड रीडर, मैजिक इंक कैरेक्टर्स बार रीडर्स एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स. दिस ऑल्सो इन द इनपुट यूनिट्स. इनपुट यूनिट्स में हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं. एंड देन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स में क्या होता है, प्रोसेस होता है. एंड देन आउटपुट यूनिट में रिजल्ट शो करता है मॉनिटर के हिसाब से. अभी नेक्स्ट है आपका इज द सीपीयू इंटरनल व्यू. आप देखेंगे सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है. देन रैम होता है, रोम होता है. वो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी थी कि प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप्स होते हैं, इट्स द रैम एंड रोम. रैम का फुल फॉर्म क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी. कैसे प्रोसेस करते हैं, सीडी रोम अवेलेबल रहता है, मदरबोर्ड अवेलेबल रहता है, वीडियो कार्ड अवेलेबल रहता है, पेन हार्ड ड्राइव अवेलेबल रहता है, फैंस. दिस इज योर सीपीयू इंटरनल व्यूज. अभी चलते हैं आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में थ्री टाइप में हम लोगों ने डिवाइड किया है. फर्स्ट इज द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. पहले आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में. आफ्टर रिसीविंग डेटा एंड कमांड फ्रॉम यूजर्स, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड. जैसे मैं लिखती हूँ या करती हूँ तो वो क्या करता है, पूरा सेंट्रल प्रोसेस करता है एंड देन हम लोगों को रिजल्ट देता है. तो सीपीयू इज अ वेरी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड देन कंप्यूटर का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोल सकते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हम लोग दिमाग से ही पूरा काम करते हैं, वैसे ही सीपीयू पकड़ के चलिए कंप्यूटर का एक माइंड है जिससे वो हम लोग करते हैं वो शो करता है. अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सब के लिए यूज होता है. लॉजिकल फंक्शन कंपैरिजन ऑफ डेटा के हिसाब से इसके लिए होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. मींस ए एल यू इज अ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब कैलकुलेशन करता है. जो भी जैसे मैंने 2+2 बोला तो ऑटोमेटिक ब्रेन ने क्या किया, देख सोचा और स्टार्ट कर दिया. वैसे ही सीपीयू में एक पार्ट है इज द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. जो भी करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन उसके हिसाब से यूज होता है. नेक्स्ट उसमें ही सेकंड पार्ट है इज द कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट मीन्स हम लोग किसमें कौन सी सिलेबस के हिसाब से कंट्रोल करते हैं. जैसे इंस्ट्रक्शन मिलती है मम्मा की या पापा की, वैसे हम लोग कंट्रोल रहते हैं. वैसे एज इट इज अ सीपीयू में अंदर एक पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं इज अ कंट्रोल यूनिट. आप लेफ्ट हैंड साइड में एक पिक्चर भी देख सकते हैं. इट इज अ रिस्पॉन्स फॉर कोऑर्डिनेट टास्क बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर यूनिट्स. कंट्रोल यूनिट्स कलेक्ट द डेटा, इनपुट यूनिट जो मुझे सेंड हुआ फिर प्रोसेस हुआ,
इन द फाइनली नेचर में हम लोगों को अपलोड होता है, मतलब फाइनली फ्यूचर में हम लोगों का क्या होता है, आउटपुट यूनिट मिलता है, मतलब कंट्रोल करता है। पूरा कंट्रोल होने के बाद हम लोगों को वो डेटास को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट किस पर्पज के लिए यूज होता है, इज द इनपुट डिवाइस, ये हमारा इनपुट डिवाइस ही है, स्टोर करने के लिए। सपोज कोई डेटास वगैरह लॉस्ट नहीं हो, पहले कंट्रोल यूनिट में अगर पावर वगैरह शट डाउन हो जाता है तो उसमें हम लोगों को नहीं दिखाता है। जैसे प्राइमरी में हम लोगों की जो डेटा सेव होती है वो नहीं दिखाता है पावर ऑफ में, लेकिन सेकेंडरी में सेव होता है। इट्स द टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी मतलब क्या, प्राइमरी इज अ टेम्पररी मेमोरी एंड सेकेंडरी इज अ परमानेंट मेमोरी, बोथ आर टेम्पररी एंड प्राइमरी। अगर हम लोग शट डाउन भी करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, उसको सेव करता है, मतलब जो भी हम लोगों ने डेटा लिखा है वो सेव करता है। मेमोरी यूनिट जैसे हम लोग ऑल चीजें रिमाइंड्स करते हैं फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, वैसे ये सीपीयू में मेमोरी यूनिट यूज होता है। मेमोरी यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सीपीयू ऑल्सो। अभी आते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अभी कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज की भाषा समझता है, जैसे कि जीरो एंड वन, मतलब डेटा जो भी होती है स्टोर होती है हम लोगों की, मेजर्स कैसे मेजर्स हम लोगों के इसमें होती है कंप्यूटर में, इज द मेगाबाइट इज द एमबी, जीजाबाइट इज अ जीपी, अंडरस्टैंड करते हैं। बिनरी डिजिट इज इन द बिट, वन बिट इज इन द बिनरी डिजिट, मतलब वो स्मॉलर में स्मॉलर डिजिट रहती है, इज द जीरो एंड वन। एंड निबल डिजिट 4 bytes की होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल भी दिया है 10011। और कंप्यूटर भाषा कौन सी समझता है, सिर्फ न्यूमेरिकल भाषा समझता है, मींस बिट इज द बाइनरी डिजिट, स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट डिजिट होती है। देन निबल डिजिट, निबल इज अ 1 dimble इज अ 4 bits एंड 1 byte इज 8 bits। फर्स्ट बाइनरी मतलब स्मॉल रहती है, सबसे स्मॉलेस्ट में स्मॉल डेटा होती है। देन निबल इज अ 4 bits जिसमें हम लोग 4 digit में ले सकते हैं, एंड 1 byte इज अ 8 bits बोल सकते हैं, इट्स अ बाइट, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट्स को ये पूरा कवर करती है। और जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज में मेमोरी जो समझता है वो 0 और 1 के एग्जांपल में समझता है। देखिए एक कभी कभी आपके ऑप्शन में ऐसे भी आता है, 8 byte स्टैंड फॉर डैश बाइट इज द 1 byte, ओके 8 bits इज द 1 byte, 4 bits इज द 1 nibble, एंड देन 0 and 1 इज द स्मॉलर 2 values 1 bit, ओके। देन स्मॉलर ये वैल्यूज लैंग्वेज में यूज होती है, इज द मेगाबाइट इज द एमबी, जीजाबाइट इज अ जीबी। उसके आगे वाले भी देखते हैं, डेटा मेजर और साइज कैसे साइज कन्वर्ट होती है, मैंने बताया अभी है ना, बिनरी डिजिट इज अ 1 bit, देन 8 bits इज द 1 byte, 1024 bytes इज द 1 kilobytes इज द 1 KB, एंड देन 1024 kilobytes इज द 1 megabyte इज द 1 MB, 1024 इज द जीजाबाइट इज द 1 terabyte इज द TB, 1024 terabytes इज द 1 petabyte इज द 1 PB, एंड देन 1024 petabytes इज द 1 exabytes। ये सबको हो सकता है, जैसे 1 kilobytes इज द 1024 bytes, एंड देन 1 megabyte इज इन द 1024 kilobytes, 1 gigabyte इज द 1024 इज द मेगाबाइट, एंड देन 1 terabyte इज द TB, 1024 gigabytes, एंड देन 1 petabyte इज देन 1024 terabytes, terabytes 1 इज कन्वर्ट टू द 1 petabytes। ये सब कन्वर्ट किया जाता है मेजर्स, जैसे हम लोग न्यूमेरिकल यूनिट्स ऑफ मेमोरी फाइंड करते हैं, जितना मैं डेटा लिखती हूँ उसको यूनिट्स ऑफ मेमोरी में कन्वर्ट करता है, मेजर करता है। लेट्स सी नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। बहुत सारे टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि हार्डवेयर क्यों यूज होता है, सॉफ्टवेयर किस पर्पज के लिए यूज होता है। हार्डवेयर पार्ट्स वो होते हैं जो सीपीयू के इंटरनल होते हैं, जो अंदर पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इज द मदरबोर्ड, एंड देन चिप राइटर, फैन, वेब कैमरा,
पावर सप्लाई, ये सब आपके क्या है, हार्डवेयर है। ये सब हार्डवेयर के थ्रू ही हम लोगों का वर्ड हार्डवेयर पार्ट्स बनते हैं, विच वी कैन सी, वी कैन टच देम, उसको हम लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं एज कंपेरिजन सॉफ्टवेयर के हिसाब से। हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स हैं उनके बिना हमारा कंप्यूटर रन नहीं होता है। लेट्स सी इन योर सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो रहता है जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS Office, ये सब जो सॉफ्टवेयर रन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, HTML, ये सब जो प्रोग्रामिंग रन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कभी भी हम लोग नहीं देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते एज कम्पेयर द हार्डवेयर। इज डिस्क्राइब द कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इज अ जेनेट्रिक टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब कंप्यूटर प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम रन करता है। बोथ आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कंपल्सरी। हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हार्डवेयर नहीं रहेगा। इट्स दोनों कंपल्सरी है। अभी चलते हैं कैटेगरीज ऑफ इन द सॉफ्टवेयर। कैटेगरीज दो कैटेगरीज रहते हैं, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड देन क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स किसके लिए यूज होता है, फ्री टाइम सॉफ्टवेयर होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मोबाइल्स में प्ले स्टोर में हम लोग ऐप्स डाउनलोड करके रखते हैं। ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आपसे वो पैसे नहीं लेते, पैसे नहीं लेते हैं मतलब वो क्या हुआ, हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हम लोग उसको बोल सकते हैं फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पॉलिसीज, मतलब FOSS। ये कभी भी मैनी 300 करोड़ लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। हम लोग वो डाउनलोड करते हैं, अनदर किसी को भी डाउनलोड करने देते हैं, उनसे भी वो पैसे कलेक्ट नहीं करता है। इज द फ्री ऑफ चार्ज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स क्या होता है, फ्री ऑफ चार्ज। इज द कोडेड डोमेटिक एनी वन यूज, किधर भी यूज कर सकते हो। इट्स कैन कोड, कोड टाइप भी कर सकते हैं हम लोग, जो कॉपी है ना उनकी कोडिंग की कॉपी कॉपी भी कर सकते हैं, मतलब उनकी कोडिंग कॉपी भी कर सकते हैं। इट्स द फ्री ओपन सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने HTML की कोडिंग सिखाती हूँ तो वो आप कॉपी भी कर सकते हो, अपने थ्रू यूज भी कर सकते हो। इट्स द फ्री ओपन सोर्स पकड़ के चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी इज द क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑपोजिट टू द ओपन सॉफ्टवेयर। इसमें उसमें पैसे नहीं मांगता है लेकिन इसमें पैसे मांगता है। इसमें कोडिंग के लिए वो बोलता है कि इतने पे करो फिर आपको वो कॉपी करने देता है। एसिस कॉपी एंड अल्टर्ड, एंड उसमें आप लोग चेंजेस भी कर सकते हो। क्लोज सॉफ्टवेयर में क्या होता है, चेंजेस भी होता है। ओपन सॉफ्टवेयर में आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्लोज सॉफ्टवेयर में ऑलवेज चेंज कर सकते हो। परचेज देम एंड सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग दैट, पहले आप लोग परचेज करते हो एंड देन यूज करते हो। जैसे लेटेस्ट न्यू वर्जन आते रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं अपने कंपनी बिजनेस के लिए यूज करने के लिए, एंड देन क्लोज सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन क्लासिफिकेशन टू टाइप ऑफ बेसिक ऑन यूटिलिटीज। इज द फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड विज इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर्पज के लिए यूज होता है, सेम एज इट इज एन ओपन सोर्स यूज। वर्ड एक्सेल इज द सॉफ्टवेयर, मीन सोर्स सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं उसको। इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ग्रुप फॉर प्रोग्रामिंग डिजाइन एंड यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द वर्ड डेटाबेस, वेब ब्राउजर्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट। दिस इज योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सब यूज करते हैं डेली यूज के लिए हम लोग, इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बोल सकते हैं। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप कंप्यूटर में दो ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, एक लिनक्स एक विंडोज 7, जिसके थ्रू आप लोग अपने कंपोनेंट्स यूज कर सकते हो। डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड इज द एक्सटर्नल सिस्टम, इसको बोल सकते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि किस पर्पज के लिए यूज होता है, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है, जो एक्सटर्नल पार्ट यूज होते हैं। फर्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग प्रोग्रामिंग रन करते हैं और जैसे प्रिंटर में से प्रिंट निकलती है, दिस इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, आई थिंक सो। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये पूरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से कैसे यूज होता है इंट्रोड्यूस समझ में आ गया होगा। IT में कौन से पार्ट्स, कौन से CPU में डेटास वगैरह अपलोड की जाती है या कौन से पार्ट्स वगैरह यूज करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। एनी हैव डाउट आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।